You should die, my friend. तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताएंगे। मूवी पठान रिलीज के आज पूरे 16 दिन कंप्लीट हुई है, तो पठान मूवी के 16 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बताएंगे। मूवी माइकल आज रिलीज के पूरे 7 दिन कंप्लीट हुई है, तो माइकल मूवी के 7 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बताएंगे। और यहाँ पे एमिगोस मूवी कल 10 फरवरी को रिलीज होगी। अब एमिगोस मूवी के एडवांस बुकिंग बताएंगे कितने करोड़ की है। आपसे उम्मीद है वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें पठान मूवी के बारे में, तो दोस्तों पठान मूवी के बजट थे पूरे 250 करोड़ रुपए। और कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों पठान मूवी ऐसे तो आज रिलीज के पूरे 16 दिन कंप्लीट हुई है, लेकिन पठान मूवी ने उससे पहले अपने 14 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया था पूरे 865 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, पठान मूवी ने अपने 14 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन कर लिया था पूरे 865 करोड़ रुपए, और आज रिलीज के पूरे 16 दिन कंप्लीट हुई है। दोस्तों इसी के साथ कहना चाहूंगा, पठान मूवी रिलीज के आज पूरे 16 दिन कंप्लीट हुई है, लेकिन आज भी ऐसा कमेंट्स देखने को मिलता है, ऐसा सवाल उठते हैं लोगों को कि इस मूवी ने कौन सा वाला बार डेट अपने नाम कर ली है। देखिए पठान मूवी अपनी शुरुआती 2 या 3 साल दिनों में ही ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर वाला बार डेट अपने नाम कर लिया था, और आज रिलीज के पूरे 16 दिन कंप्लीट हुई है। यहाँ पे देखिए सिर्फ ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर के कलेक्शन ही 14 दिनों के टोटल ओवरसीज कलेक्शन है, ये पूरे 329 करोड़ रुपए। यानी इंडियन कलेक्शन को छोड़ दिया जाए तो दोस्तों पठान मूवी ब्लॉकबस्टर होने के लिए सिर्फ ओवरसीज कलेक्शन ही काफी है, तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा पठान मूवी ने अब तक कौन सी वाला बार डेट अपने नाम कर ली है। तो यहाँ पे देखिए पोजीशन की लड़ाई होने लगे है। पठान मूवी ने ऑलरेडी हिंदी बेल्ट के अंदर केसेफ चैप्टर 2, दंगल, एक था टाइगर, एसी वार जैसी बहुत सारे लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड हिंदी के तोड़ दिया है, सिवाय बाहुबली 2 के जो कि अगले 4 या 5 दिनों के अंदर उस मूवी के कलेक्शन रिकॉर्ड भी तोड़ता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे मूवी ने पठान मूवी ने अपने 15वें दिन पे भी यानी कल इस मूवी ने इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड वाइडली जो कमाई कर लिया था पूरे 19 करोड़ रुपए। बात की जाए दोस्तों मूवी के 16वें दिन यानी आज की कमाई की, तो दोस्तों जानकारी के मुताबिक पठान मूवी आज इंडिया बॉक्स ऑफिस पे जो नेट कलेक्शन किया है पूरे 7 करोड़ 50 लाख रुपए, जबकि आज इंडिया पे ग्रोस कलेक्शन करने लगे हैं पूरे 11 करोड़ रुपए। और आज स्पेशली ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से टोटल जो कमाई आने लगे हैं पूरे 7 करोड़ रुपए, यानी पठान मूवी आज टोटली वर्ल्ड वाइडली जो कमाई करने लगे हैं पूरे 18 करोड़ रुपए। और अगर इसके साथ मूवी के पठान मूवी के 16 दिनों के टोटल कलेक्शन को एक साथ जोड़ा जाए तो दोस्तों पठान मूवी के 16 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन होते हैं पूरे 902 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, यही है पठान मूवी के 16 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन जो की हुई है पूरे 902 करोड़ रुपए। दोस्तों अब अगर बात करें तेलुगु मूवी माइकल मूवी के बारे में, दोस्तों माइकल मूवी पैन इंडिया रिलीज हुई थी, लेकिन पैन इंडिया रिलीज होने के बावजूद भी इस मूवी को लेके जो कलेक्शन को लेके एक्सपेक्ट किया गया था ये मूवी उस तरह की कलेक्शन नहीं कर पाए, लेकिन शुक्र है ये मूवी सुपर हिट हुई है। जी हाँ दोस्तों, मैं कलेक्शन की बात करूंगा, इस मूवी के टोटल जो बजट है पूरे 15 करोड़ रुपए। और कलेक्शन मूवी ने अपने रिलीज के पहले दिन इंडिया पे जो नेट कलेक्शन किया था पूरे 3 करोड़ 20 लाख रुपए, दूसरे दिन कलेक्शन किया था पूरे 2 करोड़ 90 लाख रुपए, तीसरे दिन नेट कलेक्शन किया था पूरे 2 करोड़ 70 लाख रुपए, चौथे दिन नेट कलेक्शन किया था पूरे 1 करोड़ 80 लाख रुपए, मूवी ने अपने 5वें दिन पे इंडिया पे नेट कलेक्शन किया था पूरे 1 करोड़ 40 लाख रुपए, और मूवी ने अपने 6ठे दिन में यानी कल इस मूवी ने इंडिया पे नेट कलेक्शन किया था पूरे 1 करोड़ 20 लाख रुपए। बात की जाए दोस्तों मूवी के 7वें दिन यानी आज की कमाई की, तो दोस्तों जानकारी के मुताबिक आज ये मूवी इंडिया पे जो नेट कमाई करने लगे है पूरे 1 करोड़ 10 लाख रुपए। और इसके साथ दोस्तों मूवी के 7 दिनों का टोटल इंडिया पे जो नेट कलेक्शन होते हैं वो हुई है पूरे 14 करोड़ 30 लाख रुपए, जबकि 7 दिनों का टोटल इंडिया पे डोमेस्टिक ग्रोस कलेक्शन हुई है पूरे 19 करोड़ 40 लाख रुपए। और इन 7 दिनों में टोटल जो ओवरसीज कलेक्शन आया है मूवी के पूरे 1 करोड़ 60 लाख रुपए। यानी दोस्तों माइकल मूवी ने अपने शुरुआती फर्स्ट वीक यानी 7 डेज पे टोटल जो वर्ल्ड वाइडली ग्रोस कलेक्शन की है पूरे 21
यानी 21 करोड़ रुपये। जी हाँ दोस्तों, यही है माइकल मूवी के 7 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रोस कलेक्शन, जो की हुई है पूरे 21 करोड़ रुपये। और दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए मूवी एमिगोस मूवी के बारे में, जो कि एक तेलुगु मूवी है और कल 10 फरवरी को सिंगल तेलुगु भाषाओं के साथ ही ये मूवी रिलीज होगी। और जो रेस्पॉन्स देखने को मिलने लगे हैं, ऐसा लगता है आफ्टर बिंबिसरा ये मूवी भी सुपर हिट ओपनिंग के साथ ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। यहाँ पे इस मूवी के टोटल जो बजट है पूरे 20 करोड़ रुपये, और अब तक जो पहले दिन के लिए एडवांस बुकिंग हुई है मूवी के पूरे 2 करोड़ 20 लाख रुपये। तो जाहिर सी बात है मूवी कल सुपर हिट ओपनिंग लेगी। आपसे उम्मीद इसी तरह के मूवीज अपडेट वीडियो के लिए, स्पेशली एमिगोस मूवी कल रिलीज होगी तो एमिगोस मूवी के डे वाइज कलेक्शन आने के लिए भी हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, टेक केयर, बाय दोस्तों।